दोस्तों वीडियो में आप जो प्लांट देख रहे हैं ये हमेलिया का प्लांट है और इस वीडियो में इस प्लांट के बारे में जितनी भी ज़रूरी जानकारी है उनको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखें और जो भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल गार्डनिंग का चैनल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इस प्लांट के इंट्रोडक्शन का। तो इस प्लांट का नाम हमेलिया पैटर्न्स है और ये एक पेरिनियल प्लांट है, झाड़ीनुमा पौधा होता है। और इस प्लांट के और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे फायर बुश प्लांट, हमिंग बर्ड बुश और रेड हेड प्लांट। रेड हेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पौधे पर लाल और नारंगी रंग के फूल आते हैं गुच्छों में, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसकी पत्तियों में ब्राउन सी शेड होती है टिप पर, तो इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी शाइनी होती है, वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। और हमेलिया का जो प्लांट है ये बेसिकली अमेरिकन ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक एरिया का नेटिव है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरी सोसाइटी में इस प्लांट की काफ़ी सारी बाउंड्रीज बनाई गई हैं कई जगह पर, और साल भर आपके गार्डन में बना रहने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। सेकेंड पॉइंट है प्रोपेगेशन का। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ईजी टू प्रोपेगेट प्लांट है। आप इसको कटिंग से, सीड से और रूट सकर से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने का मेथड सन है और प्रोपेगेशन के लिए आप इसके सेमी हार्डवुड कटिंग को लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आता है रिपोर्टिंग का। तो आप इसको स्प्रिंग के सीजन में रिपोर्ट करें। गमले में आप जब भी इस प्लांट को लगाते हैं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें और इसमें अच्छी ब्लूमिंग के लिए आप इसको 8 घंटे की सनलाइट दें। अगर ज़मीन में आपने ये पौधा लगाया हुआ है तो आप इसको साल में एक बार ज़रूर प्रून करें। गमले में लगे हुए पौधे को आप रेगुलर प्रून करते रहें, उससे उसकी शेप भी अच्छी बनी रहेगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी और प्लांट आपका बुशी बना रहेगा। फोर्थ पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र। तो इस प्लांट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइज़र की, लेकिन हेल्दी ब्लूमिंग के लिए आप इसमें एक मुट्ठी बोन मील साल में एक बार इसकी मिट्टी में मिला दें, क्योंकि बोन मील में फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जिससे फूल काफ़ी अच्छे आते हैं और पत्तियाँ शाइनी होती हैं। पांचवा पॉइंट आता है वाटरिंग का। तो इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें। गर्मी के मौसम में आप इसको रेगुलर पानी दीजिए और इस पर पानी का छिड़काव भी करते रहें। तो ये था हमेलिया पैटर्न्स का प्लांट। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।